हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 4 ऑफ हनीकॉम, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। जो आपका ये टॉपिक है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। एशेस, एशेस मीन्स राख। मेड ट्रीज ब्लूम मीन्स कि वो ऐश जो कि काम आ रही है ट्रीज़ को ब्लूम करने में। अब देखेंगे इस चैप्टर में कैसे ऐश जो होती है वो ट्रीज़ को ब्लूम करती है। नाउ पार्ट फर्स्ट, इस स्टोरी में जो आपका पार्ट फर्स्ट है उसमें आपकी 3 or 4 लाइन्स हैं जो कि इस पार्ट फर्स्ट का इंट्रोडक्शन दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दीज लाइन्स। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पैट डॉग। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। मीन्स ये जो स्टोरी है ये एक ऑनेस्ट और एक हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल की है। ओल्ड कपल मीन्स कि जो बूढ़े हो गए हैं हस्बैंड वाइफ, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग है, एंड देयर पैट डॉग, और उनके पास एक उनका पालतू डॉग भी है, ठीक है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, और जो नेबर्स हैं जो कि उनके पड़ोसी हैं, वो हमेशा उनको तंग करते रहते थे। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और उन्हीं की वजह से जो उनका डॉग था ओल्ड कपल का जो कि बहुत अच्छे थे, उनके डॉग की डेथ हो जाती है और बहुत ही सैड डेथ होती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज, और जो डॉग की जो स्पिरिट थी, आत्मा थी, वो बहुत ही ज़्यादा अपने मालिक को क्या करती है, उसको सोलेस मीन सपोर्ट करती है, उसको सांत्वना देती है, उसको सपोर्ट करती है, सहारा देती है, मीन्स बहुत सारे मीन्स ऑफ वेज में उसकी मदद करती है। अब आगे हम स्टोरी में देखेंगे कि कैसे, मतलब यहाँ पे जो ओल्ड कपल है वो कैसे एक अपने पैट डॉग को रखते हैं और कैसे उनके पड़ोसी उनको तंग करते हैं और कैसे यहाँ पे डॉग की अनएक्सपेक्टेड वे में डेथ हो जाती है और कैसे जो उस डॉग की जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो कैसे अपने मालिक की हेल्प करती है। In the good old days of the Daimos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. पुराने दिनों की बात है। इन द गुड ऑल्ड डेज़ ऑफ द डायमोस, डायमोस का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे जो डायमोस है ये जापान में वर्ड यूज़ किया जाता था उन लोगों के लिए जो कि ज़मींदार होते थे, मीन्स जो कि ज़मीन के मालिक होते थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, तो वो बहुत ज़्यादा रिच होते थे, अमीर होते थे। तो यहाँ पे उन दिनों की बात हो रही है जब बहुत अच्छे दिन चल रहे थे डायमोस के। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, तो एक ओल्ड कपल रहता था whose only pet was a little dog, और उनके पास सिर्फ एक ही पैट डॉग, एक ही पैट था, एक ही पालतू पशु था उनके पास, और वो था एक छोटा सा डॉग। हैविंग नो चिल्ड्रन, और उस ओल्ड कपल के कोई भी चिल्ड्रन नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, और वो उसको ऐसे प्यार करते थे जैसे कि वो उनका खुद का बेबी है, खुद का बच्चा है। द ओल्ड डैम मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रैप एंड एट मील टाइम मोको फॉर दैट वॉज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो ओल्ड डैम है, वो जो बूढ़ी औरत है, मीन्स जो उसकी जो ओल्ड कपल है, ठीक है, तो जो हस्बैंड है यहाँ पे और जो वाइफ है, दोनों जो हस्बैंड वाइफ है, वो क्या करते हैं यहाँ पे अपने डॉग के लिए जो कि उनका पेट है, उसके लिए एक गद्दी तैयार करते हैं, एक मतलब कुशन तैयार करते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है, और उसको खाने के लिए खाने के समय उसको क्या बोला जाता है, उसको किस नाम से बुलाते हैं, मुको के नाम से, मुको के नाम से उसको बुलाते हैं खाने के टाइम पे, और उस पर एक मतलब बहुत ही कह सकते हो बहुत ही प्यारी सी बिल्ली की तरह वो बैठ जाता था, जो डॉग था, जैसे एक बिल्ली खाने के लिए आराम से बैठ जाती है, ऐसे ही वो डॉग भी खाने के लिए बैठ जाता था आराम से। द काइंड पीपल फेड द पैट विद टिड बिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉप स्टिक्स, और वो जो बहुत ही दयालु जो ओल्ड कपल थे, वो अपने पैट डॉग को ऐसे फेड करते थे, ऐसे उसको पालते थे, उसको खिलाते थे, ठीक है, जैसे वो खुद खाते थे फिश के जो टिडबिट्स होते हैं, जो मतलब एक चॉपस्टिक में जो मछली के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए होते हैं, तो उनमें से चॉपस्टिक जो होता है उसमें से निकाल के उसको फिश के जो छोटे टुकड़े होते हैं वो निकाल निकाल के देते थे उसको, और उनके साथ ही वो बैठ के खाता था, और जितने भी बॉइल्ड राइस होते थे, जितने भी उसको चाहिए होते थे, वो भी साथ में उस फिश के
पीसेस के साथ देते थे उसको, जैसे एक बच्चे को मतलब ट्रीट करते हैं पेरेंट्स, ऐसे ही वो उस डॉग को ट्रीट करते थे। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बींग विद अ सोल। अब देखो इस तरह से उसको ट्रीट कर रहे थे, तो वो जो बेचारा गूंगा बहरा जो बोल मतलब कुछ सुन नहीं सकता, ठीक है, और जो ऐसा एक छोटा सा जानवर है, जो ऐसा क्रिएचर है जो कि अपने प्रोटेक्टर्स को मीन्स अपने मालिक को बहुत ज़्यादा प्यार, बींग जैसे एक मतलब इंसान प्यार करता है, ठीक है, अपनी सॉल से इस तरह से वो उनसे प्यार करता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो वफादार था अपने मालिक के लिए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द ओल्ड मैन बींग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद हो एंड और स्पेड इन टू द फील्ड्स वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा एज द सन इज कॉल्ड हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हिरोन दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिकअप द वॉर्म्स, फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरी थिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स। मीन्स यहाँ पे जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़ा आदमी है, वो एक राइस फार्मर था, मीन्स राइस चावल की खेती करता था। वो डेली अपने मतलब हो और स्पेड के साथ, मतलब अपनी कुल्हाड़ी अपने फावड़े के साथ, जो मतलब फसल उगाने के लिए या फिर मतलब अपने खेतों के लिए जो औजार चाहिए होते हैं, ठीक है, वो लेके जाता है अपने साथ खेत में और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता है सुबह से लेके जब तक सूरज छिपता है। मतलब ओ टेंटो सामा यहाँ पे सन को कहा जा रहा है, ठीक है, तो जब तक सूरज छिप नहीं जाता तब तक वो सुबह से लेके शाम तक काम करता रहता था। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और हिल्स के पीछे की तरफ उसके खेत होते थे, वहाँ पर वो सारा दिन काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और रोज क्या होता था, डेली जो डॉग था वो उसको फॉलो करता था, उसके साथ काम करवाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हिरोन दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स, और कभी भी वो हार्म नहीं पहुंचाता था कभी भी। यहाँ देखो वाइट हिरोन, यहाँ पे बात हो रही है जो वाइट कलर के जो बगुले होते हैं, ठीक है, जो आपने खेतों में देखे भी होंगे कभी, तो उनको कभी भी वो नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो क्या करते थे, अपनी बीक से अपनी चोंच से वहाँ पे जितने भी वॉर्म्स होते थे, कीड़े वगैरह होते थे, केंचुए होते थे, उनको अपनी चोंच से निकाल के खाते थे, तो कभी भी डॉग उनको परेशान नहीं करता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरी थिंग दैट हैड लाइफ एंड ओफन टर्न्ड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे जो ओल्ड फैलो है वो इतना पेशेंट था, मतलब वो इतना शांत था कि इतना दयालु था कि जिस चीज़ में भी लाइफ होती है, जिस चीज़ में भी जीवन होता है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों या इंसान हो या कोई भी हो, मतलब ठीक है, तो हर किसी को वो बहुत प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करता है, उनके लिए मतलब हमेशा तैयार रहता था उनकी हेल्प करने के लिए। एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और कई बार वो खुद ही मतलब क्या करता था, जो भी मतलब जब वो फसल उगा रहा होता था या उसमें अपने खेतों में काम कर रहा होता था, तो वो खुद ही मतलब बर्ड्स की हेल्प करता था उनको फूड प्रोवाइड कराने में। नाउ थर्ड पैराग्राफ, वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हैंड टू सम स्पॉट बिहाइंड। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, बट द डॉग कैप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लिवली स्क्रैचिंग। एक दिन क्या होता है, जो डॉग होता है वो भाग के आता है अपने मालिक की तरफ, और जो अपने जो पैर के जो पंजे होते हैं उनको अपनी लेग्स को उठा के उसके ऊपर रखता है अपने, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, अपना जो सिर है वो हिलाता है पीछे, थोड़ा सा पीछे होके फिर अपना सिर हिलाता है, मतलब वो कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहा था, अपने मालिक को कुछ कहना चाह रहा था, मतलब वो इस तरह से बिहेव कर रहा था कि जैसे वो अपने मालिक को कुछ बताना चाहता है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग, पहले तो ओल्ड मैन को क्या लगा कि ये कुछ
कि मतलब ये खेल रहा है, जैसे एक जो पैट होता है, डॉग या कैट होते हैं घर में, ठीक है, वो आपके साथ खेलते हैं, तो इसी तरह से उसको लगा कि शायद ये भी मेरे साथ खेल रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, ठीक है, एंड डिड नॉट माइंड इट। और उसने कुछ माइंड भी नहीं किया, कुछ सोचा भी नहीं उसके बारे में, ना उसको कुछ कहा, बट द डॉग कैप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट। लेकिन जो डॉग होता है वो क्या करता है, वो बहुत देर तक आगे पीछे मतलब टू एंड फ्रो मोशन में भाग रहा है, उसको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ मिनट तक वो ऐसे ही करता रहा, चारों तरफ उसके चक्कर काटता रहा। फिर उसके बाद जो ओल्ड मैन है, फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस। फिर उसके बाद डॉग को फॉलो करते हुए जाता है ओल्ड मैन उसके पीछे पीछे, जहाँ पे जो एनिमल बिगेन अ लिवलेस क्रैचिंग, जहाँ पे उसने क्या किया हुआ था, अपने पैरों से बिल्कुल पैरों से मतलब कुरेदा हुआ था, जो ज़मीन थी जहाँ पे उसने मतलब अपने पंजों से ज़मीन की जो मिट्टी है उसको हटाया हुआ था, तो वहाँ पे उसको लेके जाता है। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरिड बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। अब देखो यहाँ पे वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई मतलब कोई हड्डी वगैरह हो, बोन वगैरह दबी हुई है, या हो सकता है कोई फिश का टुकड़ा हो, ठीक है, इसीलिए वो यहाँ पे स्क्रैचिंग कर रहा है अपने पंजों से। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, तो जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़ा आदमी है, वो क्या करता है अपनी हो से अर्थ में मतलब अपनी कुदाल से जो उसके फसल में जो यूज़ होते हैं, खेतों में जो यूज़ होते हैं औजार, उससे खुदाई करने की कोशिश करता है उसके लिए, ठीक है। तो जैसे ही वो अर्थ में उसको स्ट्रक करता है, उस हो को ज़मीन में जैसे ही उसको खुदाई करने की कोशिश करता है, तो वहाँ से क्या निकलता है, अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। तो उसके सामने उसको दिखाई देता है कि बहुत सारा जो गोल्ड था, सोने के सिक्कों का बहुत सारा ढेर था, जो कि ग्लीम्ड कर रहा था, मीन्स चमक रहा था उसके सामने। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटिफुली टू देयर पुअर नेबर्स। एज फॉर द डॉग, दे पेटेड हेम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हेम विद काइंडनेस। तो इस उसके बाद क्या होता है कि एक घंटे के बाद जो ओल्ड कपल होता है, एक घंटे में वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा आ जाता है। तो वो बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे सोल थे, इसीलिए उनके साथ भी बहुत ही अच्छा हुआ कि उन्हें एक पीस ऑफ लैंड में, जो उन्होंने एक छोटा सा लैंड ख़रीदा था अपने लिए, ठीक है, वहाँ पे मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स। तो वो क्या सोचता है कि वो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को एक दावत देगा, ठीक है, मीन्स एक कह सकते हो उनको पार्टी देगा, एंड गिव प्लेंटिफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और जो उसके गरीब पड़ोसी हैं उनको भरपेट खाने को और उनकी पूरी मदद करेगा। इस तरह से वो सोचता है कि जो मुझे सोना मिला है इससे मैं गरीबों की मदद करूँ और उनको एक पार्टी दूँ। उसके बाद देखिए क्या होता है, एज़ फॉर द डॉग दे पेटेड हेम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हेम विद काइंडनेस। अब जो डॉग के लिए वे उसे तब तक मतलब उसको तब तक पालते रहे जब तक कि उनकी जो मतलब उनकी काइंडनेस थी, उसकी दयालुता थी, ठीक है, उन्होंने मतलब जितनी भी उनके पास काइंडनेस थी वो उस डॉग को इस तरह से ही पालते रहे, मतलब जब तक वो अच्छे थे। वैसे तो इस चैप्टर में इनको अच्छा ही दिखाया हुआ है ओल्ड कपल को, तो तब तक ये यहाँ पे है, इनकी काइंडनेस है इनके पास, तो वो डॉग भी उन्हीं के पास था। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि उसी विलेज में जहाँ पे वो जो अच्छे ओल्ड कपल रहते थे, वहीं पे एक विक्ड ओल्ड मैन भी रहता था, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा बेकार किस्म का, मीन्स जिसके मन में कोई दया भाव नहीं है, ठीक है, जो किसी की हेल्प नहीं करता, ठीक है, इस तरह से मतलब एक ओल्ड मैन रहता था जो कि अच्छा नहीं था नेचर वाइज, और उसकी वाइफ भी रहती थी जो बिल्कुल भी सेंसिटिव और दयालु नहीं थी, मतलब काइंड नहीं थी। Who had always kicked and scolded all dogs, जो कि हर टाइम क्या करते थे, अगर उनके घर के भी डॉग गुजरता था तो वो उसको किक करते थे, उसको डांटते थे, फटकारते थे, उसको मारते थे।
Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो विक्ड ऑल्ड कपल थे, जो कि अच्छे नहीं थे, उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये बात सुनी कि जो ओल्ड कपल जो कि अच्छे थे, कि उनका इतना अच्छा गुड लक निकला कि एक डॉग के थ्रू उनको सोना मिल गया, तो वो क्या सोचते हैं कि इस डॉग को वे अपने गार्डन में भी लेके आएंगे और उसकी हेल्प से हम भी सोना लेंगे. तो क्या करते हैं, उसको अपने साथ ले आते हैं और उसके आगे फ़िश के बिट्स, मतलब फ़िश के टुकड़े डाल देते हैं उसके सामने, और बहुत और भी कई तरह की चीज़ें डालते हैं उसके सामने उसको, मतलब बहुत जो कि टेस्टी खाने में बहुत ही टेस्टी कह सकते हो स्वीट्स थी या मिठाई वगैरह, मतलब इस तरह से उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश करी, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेशर फॉर दैम. और किस आशा में कि वो ये होप कर रहे थे विक्ड ओल्ड कपल की ये जो डॉग है ये हमें सोने के बारे में बताएगा, मतलब हमारे मदद करेगा सोना ढूंढने में, गोल्ड ढूंढने में. बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन जो डॉग था वो पहले से ही डरा हुआ था ये जो मतलब क्रूर थे, ये जो ओल्ड कपल थे जो कि बहुत ही बेकार थे, इनसे पहले ही डरा हुआ था. वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना तो वो उनका दिया हुआ कुछ खाता है ना ही वहाँ से हिलता है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम. नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेशर ले बिनर. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद देन ही ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, तो उसको मतलब अपने गेट से खींचते हुए बाहर ले आते हैं उस डॉग को जब वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, और अपने मतलब कुल्हाड़ी से अपनी जो स्पेड थी, कुल्हाड़ी थी, ठीक है, और जो हो था जो कि मतलब फील्ड में यूज़ होता है, ठीक है, तो उससे उसको क्या करते हैं, उसको उसको मारने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों से. नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि उनके वहीं पे गार्डन में एक पाइन ट्री था, वो वहाँ पे लेके आते हैं उस डॉग को खींच के, जब वो कुछ खाता नहीं है तो वो उसको उस पाइन ट्री के पास लेके आते हैं अपने स्पेड और रो के साथ जो कि उनके गार्डन में था. देन ही बिगेन टू पो एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और उसको कहते हैं, और मतलब उसको कहते हैं कि तुम यहाँ पे अपने पंजों से देखो, यहाँ पे स्क्रैच करो ग्राउंड को, एज इफ अ माइटी ट्रेशर ले बिनर, कि क्या इसके नीचे भी कोई बहुत सारा सोना वगैरह या कुछ खजाना इसमें अगर गड़ा हुआ है तो हमें बताओ. ग्रीडी देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्विक वाइफ, वो अपनी वाइफ को क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, और चिल्लाने लग जाता है वो जो लालची ओल्ड जो फूल होता है, मूर्ख होता है, मीन्स जो ओल्ड कपल था वो चिल्लाने लग जाता है. ऐसा मिल गया जिससे कि वो जो डॉग है वो उनकी हेल्प नहीं, बाहर से कवरिंग होती है, तो उन ट्यूब्स को उस ग्राउंड के ऊपर लगा के आता है. सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जिस तरह से कि हम अपने घरों में टॉम्स वगैरह बनाते हैं, तो गुम्बद जो बनाते हैं उनको सहारा देने के लिए जो बैम्बू ट्यूब्स का यूज़ होता है उनका, उनको ग्राउंड में वो गाड़ के आता है, ठीक है. इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और वहाँ पर कुछ फ्रेश फ्लावर्स फूल भी उसकी कब्र पे चढ़ा के आता है. देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और उसके बाद वहाँ पे उसके लिए एक कप में वाटर और फूड एक ट्रे में रख के आता है उसकी कब्र पे. एंड बर्नड सेवरली कोस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और बहुत सारी जिसको आप कह सकते हो अगरबत्ती वगैरह जो स्टिक्स होती हैं उनको भी उसके पास रख के आता है, मतलब उसको उसकी खुशबू के लिए वहाँ पे करके आता है.
ही मोर्नड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव. अब वो शोक मना रहा है उसके पास थोड़ी देर के लिए, अपने पैट के पास बैठ के वो शोक मनाता है और उसको बुला रहा है, चिल्ला रहा है, उसके जितने भी नेम्स हैं जो कि उसको बहुत अच्छे लगते थे उन नामों से उसको पुकार रहा है और इस तरह से पुकारता है जैसे कि वो आज भी जिंदा है. दैट नाइट, अब देखो आगे क्या होता है. दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सैड कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि उसी रात को जो डॉग की स्पिरिट होती है वो आती है उसके सपने में एंड सैड और उसको कहती है कट डाउन द पाइन ट्री कि पाइन ट्री को काट दो ओवर माई ग्रेव, जो मेरी ग्रेव पे जो पाइन ट्री है उसको काट दो एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टर और उससे एक मॉर्टर मीन्स एक बहुत बड़ा बाउल बनाओ फॉर योर राइस पेस्ट्री, अपनी राइस की मतलब चावल की जो बनी हुई जो पेस्ट्री होती है उसके लिए तुम एक मॉर्टर तैयार करो एंड अ मिल और एक मिल बनाओ फॉर योर बीन सॉस, बीन का सॉस बनाने के लिए एक मिल तैयार करो. उसको सपने में आके ये सब डॉग बता के जाता है. सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक ऑफ अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग. तो जो ओल्ड मैन होता है उस ट्री को काट देता है, चॉप डाउन कर देता है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर देता है एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग. और उसकी जो ट्रंक होती है उसको बीच में से काट देता है, उसके 2 सेक्शन 2 feet लॉन्ग बना देता है कम से कम विद ग्रेट लेबर और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, पार्टली बाय फायर पार्टली बाय चीजल, मतलब फायर और चीजल आउट अ होलो मतलब उसको अंदर से होलो देता है, मतलब अंदर से खोखला बना देता है और इतना बड़ा बनाता है जितना कि एक छोटा एज बिग एज अ स्मॉल बॉल, एक बहुत बड़ा बाउल बनाता है. ठीक है, ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड. उसके बाद वो क्या करता है, एक वुड का हैमर भी बनाता है जो कि बहुत ही लॉन्ग होता है जिसको हैंडल कर सके, ऐसा हैमर ऑफ वुड बनाता है. सच एज इज़ यूज फॉर पॉन्डिंग राइस, कि उसमें मतलब वो राइस की यूज से पेस्ट्री बना सके. तो वहाँ पे वो लॉन्ग एक लंबा सा बड़ा सा जो वुड का जो हैमर होता है उसको तैयार करता है. ठीक है, राइस के लिए. व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नया साल आता है मतलब आने वाला था, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री. तो वो सोचता है तो कि मैं मेरे पास सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, नया साल आने वाला है तो लोग नए साल पे खाने पीने की चीज़ें खरीदेंगे, तो वो सोचता है कि मैं राइस की पेस्ट्री बनाऊँ. व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब राइस सारे उबल जाते हैं, ग्रेनी पुट इट इनटू द मॉर्टर और मॉर्टर में उसकी सारी जो ग्रेनी है ठीक है वो सारी वो तैयार कर लेता है मॉर्टर में, मतलब एक बड़े से बाउल में डाल के तैयार कर लेता है. द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पॉन्ड द मास इनटू डफ, और उस हैमर की हेल्प से वो क्या करता है, एक डफ तैयार करता है, मीन्स जैसे पानी डाल के आटा गूंथ लेते हैं ऐसे ही बहुत बड़ा राइस की पेस्ट्री बनाने के लिए वो एक डफ तैयार करता है, गुथा हुआ आटा तो उसका तैयार हो जाता है. एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और इस तरह से वो इन सब चीज़ों की हेल्प से क्या करता है, बेकिंग करता है और पेस्ट्री भी तैयार कर लेता है. सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और अचानक से क्या होता है, वो जो पूरा जो मास तैयार था जो कि डफ जो आटा गुथा हुआ तैयार था वो एकदम से पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाता है, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स में. ठीक है, बहुत सारा ढेर बन जाता है गोल्ड कॉइन्स का. व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, और जब वो जो ओल्ड वुमेन थी जो उसकी वाइफ थी, जब वो हैंड मिल को चलाती है उसको देखती है तो क्या होता है, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, तो उसके अंदर बीन्स थे. ठीक है, बिगेन टू ग्राइंड, जिसको कि वो ग्राइंड करने वाली थी, तो द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो जैसे ही उसको ग्राइंड करने वाली थी तो ग्राइंड करने के बाद उसमें से क्या निकलता है, गोल्ड टपकता है, मतलब जैसे कि रेन ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरती है जमीन पे, इसी तरह से गोल्ड गिर रहा था. ठीक है, मीनवाइल
द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड. तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो एनवियस नेबर थे, जो कि बहुत ही मतलब जेलस फील करते थे हमेशा गुड नेबर से, वो नेबर्स क्या करते हैं, पीप्ड इन एट द विंडो, वो विंडो से झाँक कुछ देख रहे थे. व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब जो बॉइल्ड बीन्स थे, जब जो उबले हुए जो बीन्स थे, जब वो ग्राउंड पे गिर रहे थे, उनमें से जब गोल्ड टपक रहा था रेन की तरह, तो वो सब कुछ देख रहे थे विंडो में से. गुडी मी, क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, अंटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ अ शाइनी मास ऑफ गोल्ड. तो वो कैसे चिल्लाते हैं, कैसे चिल्लाई वो जो क्रूअल जो ओल्ड मैन और वुमेन थे, तो उस मैन की जो वाइफ थी वो चिल्लाती है, हे भगवान, मतलब कि जैसे कि मतलब उसकी जो जो वो सांस ले रही थी, तो उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब कि उसको हैरानी हो रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मतलब जो सॉस है उसके बजाय वहाँ पे क्या गिर रहा था, येलो कलर का गोल्ड गिर रहा था. और उसके बाद क्या होता है, और जब तक वो टपकता रहता है, जब तक कि वो टब पूरा खाली नहीं हो गया, ठीक है, अंटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मील वॉज फुल ऑफ अ शाइनी मास ऑफ गोल्ड, मतलब जब तक कि वो पूरा जो टब था वो पूरा गोल्ड का नहीं भर गया, जो कि चमक रहा था, पूरा गोल्ड का नहीं भर गया, जब तक वो पूरा मतलब उस टब के अंदर वो सोना टपकता रहा. सो द ओल्ड कपल वर रीच रिच अगेन, तो दोबारा से जो ओल्ड कपल थे वो अमीर हो गए. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम, और उसके बाद अगले दिन वो जो कंजूस थे और विक्ड नेबर थे, जो कि मतलब बहुत ही बेकार थे, दुष्ट थे, वो जो नेबर्स थे वो आए एंड बोरोड द मॉर्टर एंड मैजिक मिल, और वो उनसे वो मॉर्टर जो बहुत बड़ा बाउल था और जो मैजिक मिल था जिससे कि सॉस बनाया था उन्होंने बीन का, और उसमें से मतलब उस सॉस के बजाय सोना झड़ रहा था, ठीक है, तो वो मॉर्टर और मैजिक मिल उनसे मांग के ले मतलब खरीद के ले जाते हैं. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, दे फिल्ड, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्हीं की तरह एक जो बाउल था बहुत बड़ा मॉर्टर था उसको तो राइस से भर लिया, बॉइल्ड राइस से, और जो दूसरा था वो बीन्स से भर लिया. देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पॉन्ड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, इसी तरह से. तो उसके बाद क्या होता है, जो ओल्ड मैन होता है वो तो उसको पाउंड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, आटा गूंथना उसका स्टार्ट कर देता है राइस का, और जो वुमेन है वो ग्राइंडिंग का काम करती है. बट एट द फर्स्ट ब्लो, लेकिन जैसे ही फर्स्ट ब्लो हुआ और टर्न हुआ, तो जो पेस्ट्री और सॉस था वो किस में चेंज हो गया, इंटू अ फॉल मास ऑफ वर्म्स, मतलब सोने की बजाय जो पूरा जो आटा गुथा हुआ था राइस का, उस वो सोने में टर्न हो गया था ओल्ड वुमेन और मैन के सामने. तो लेकिन यहाँ पे ये विक्ड नेबर हैं, मतलब दुष्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हैं, बेकार हैं, जिनमें कि बिल्कुल भी कोई किसी तरह की कोई मोरालिटी नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो उनका जो वो मास था वो पूरा टर्न हो गया बहुत सारे वॉर्म्स में, जो कि जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी. स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मील इन टू पीसेज टू यूज़ एज फायर वुड, तो उनको गुस्सा तो आ ही रहा था इस बात पे कि ये उनके साथ क्या हो गया, तो वो क्या करते हैं, उस मिल को छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं. टू यूज़ एज फायर वुड, क्यों काट देते हैं, जिससे कि वो आग जलाने में या हाथ सेकने में या मतलब उस वुड का फायर में यूज़ कर सकें. ओके, यहाँ तक हमने स्टोरी, फर्स्ट पार्ट हमारा स्टोरी का कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट करेंगे. यू प्लीज़ रीड आउट होल चैप्टर एंड स्टोरी को समझने की कोशिश करो बार बार, उसको सुनो. जो वीडियो मैंने मैं आपको सेंड कर रही हूँ उसको सुनो बार बार, चैप्टर पढ़ो अच्छे से, ठीक है. अगर आपको स्टोरी समझ आ जाएगी तो आप वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर भी ईजिली लर्न कर सकते हो. ओके, थैंक यू एंड टेक केयर.